Good morning, beta. Today we are going to start chapter number 5th from NCERT book. Chapter name is complex number. ठीक है? Chapter 5 from NCERT. And name is complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स नंबर्स? वैसे तो टू बी वेरी फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल देसी भाषा में अगर हमें समझना हो, कॉम्प्लेक्स मीन्स डिफिकल्ट, डिफिकल्ट नंबर्स हैं, ठीक है? बिकॉज अप टू 10th क्लास वी नॉर्मली डील विद रियल नंबर्स, ठीक है? तो रियल नंबर्स से हम डील करते हैं, उसमें बहुत सारे नंबर सिस्टम्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे टाइप्स हैं, रैशनल, इरेशनल, इवन, ऑड, ठीक है, प्राइम नंबर्स. तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्चुअल में एक एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, दो टाइप्स, दो तरह के नंबर्स का, जिसमें हमारे पास रियल नंबर्स आते हैं एंड इमेजिनरी नंबर्स आते हैं. एक तो जो रियल्स हैं, जो बिल्कुल हैं, असलियत है जिनका, देन द नंबर्स विच आर इन इमेजिनेशन, ठीक है? तो जो इमेजिनेशन में है उन सबका है. पहले हमें मालूम होना चाहिए हम रियल नंबर्स क्या होते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं, अभी तक हम यही सीखते आते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो आप बोलोगे जी रैशनल और इरेशनल, ठीक है, सारे नंबर रियल नंबर्स होते हैं. बट इफ वी हैव टू डिफाइन, ठीक है, व्हाट आर रियल नंबर्स, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे राजे? The numbers whose square are always non-negative. Or we can say positive. ऐसे नंबर जिनका स्क्वेयर्ड वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है, दोज टाइप्स ऑफ नंबर आर नोन एज रियल नंबर्स, ठीक है? देन सभी एग्जांपल्स हम नंबर सिस्टम, रियल नंबर से रिलेटेड हम अप टू 10th क्लास तक पढ़ के ही आते हैं, बट जस्ट ये डिफाइन शायद मे बी हम नहीं करते हैं. देन इमेजिनरी नंबर्स. अब द नंबर्स हू स्क्वेयर आर नेगेटिव. ऐसे नंबर जिनका स्क्वेयर जो है नेगेटिव होता है, वो इमेजिनरी नंबर होते हैं. अब इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट आता कहाँ से है राजा? इन टेंथ क्लास में हम क्या पढ़ के आते हैं, हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्वाड्रेटिक के केस में आता है, व्हेन हम डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होता था, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, तो हम क्या लिखते थे, नो रियल रूट्स. तो हम क्या करते थे, बस इतना लिख के क्वेश्चन को आगे फुल स्टॉप, कुछ भी हम सॉल्व नहीं करते थे, ठीक है? और हमारे पास इसका एक एग्जांपल है, एक्स स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है? तो हमारे पास यहां पे आके क्वेश्चन रुक जाता था, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वन, हम कहते थे ये पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि हम रियल नंबर से ही बिलोंग करते थे. अब हमने अपनी रेंज को एक्सटेंड करना है, हमने वो चीज समझनी जो इससे बियॉन्ड है, इन रियल नंबर से आगे है. तो उन्हीं को समझने के लिए सबसे पहले इलियोर्स ने इस पे काम किया, ठीक है? अब जैसे एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू
माइनस वन, तो इसका मतलब क्या, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो अगर हमें स्क्वेयर रूट करना है ये होगा, तो इलियोर्स मैथमेटिशियंस ने क्या किया, सबसे पहले इसको डिफाइन किया आई, आई फॉर आयोटा, और मैथमेटिशियंस कौन थे, इन्होंने सबसे पहले इसको डिफाइन किया है, ठीक है। अब ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स हैं, इनसे आयोटा जहां पे भी आ जाएगा, इट मींस क्या है, वी आर नाउ डीलिंग विद इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। और रियल नंबर्स के बारे में तो हम अप टू 10th क्लास तक पढ़ते ही आते हैं। अब इन दोनों नंबर्स का कॉम्बिनेशन जो है उससे हमारे पास एक नया नंबर फ्रेम में आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हमने डिफाइन करना है, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी, ठीक है, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स। ए और बी तो हमारे पास रियल नंबर्स ही हैं, ठीक है, ए और बी रियल नंबर्स हैं, बट आयोटा दैट बिलोंग्स टू इमेजिनरी, ठीक है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया ना, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास जो नंबर्स बना है, फ्रेम हुआ है, वो क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। लेट ए प्लस बी इज इक्वल टू जेड, नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। देन रियल पार्ट ऑफ जेड ए एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू बी। अब आप कहोगे जी ए और बी तो दोनों रियल नंबर हैं, आप इमेजिनरी, दैट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, हालांकि ए और बी दोनों ही रियल नंबर हैं, ठीक है, बट जो b है दैट इज द इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि आयोटा उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, आयोटा के साथ है वो। सो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हुआ। अब जैसे कि हम रियल नंबर्स में डील करते हैं तो हम, हमारे पास डिफरेंट उसके ऑपरेशंस आते हैं, एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज डिवीजन, ठीक है। इन सिमिलर वे कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में भी हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज डिवीजन का कंसेप्ट आएगा, ठीक है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सबसे पहले हम एडिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेट जेड वन ए प्लस आयोटा बी, जेड टू सी प्लस आयोटा डी आर टू गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो क्योंकि हम एडिशन अभी देख रहे हैं तो हमें क्या करना है, जेड वन प्लस जेड टू, Z1 और Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उनको ऐड कैसे करेंगे, तो इसमें क्या है कि रियल पार्ट में ऐड होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। C
सिमिलर वे से अगर हमें इनका सब्ट्रैक्शन करना हो, इसमें सब्ट्रैक्शन करनी हो, तो क्या कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू इवेलुएट जेड वन माइनस जेड टू, ठीक है, ए प्लस एटा बी सी प्लस एटा डी, सिमिलर वे से चलेगा, जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट, ये वाला और ये वाला आयोटा कॉमन लीजिए, ये है इनका एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बेटा। नाउ ऑन मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, ठीक है, जो एडिशन प्रॉपर्टीज क्या हैं इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। सो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है? इट स्टेट दैट द एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स और मोर देन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स दैट इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट जेड वन इज इक्वल टू वन प्लस टू एटा, जेड टू इज इक्वल टू टू प्लस थ्री एटा, ठीक है। व्हेन वी ऐड जेड वन ऑन जेड टू वन प्लस टू टू एटा प्लस थ्री एटा थ्री प्लस फाइव एटा विच इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ सेकेंड, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? It state that if let us suppose there are two complex numbers z1 and z2, ठीक है, if we add z1 plus z2 the resultant will be same as z2 plus z1, ठीक है। let us take the example of as in previous, when we add z1 plus z2 1 plus 2 aota plus 2 plus 3 aota it means 3 plus 5 aota. Now z2 plus z1 2 plus 3 aota plus 1 plus 2 aota 3 plus 5 aota, theek hai. So resultant z1 plus z2 is equal to z2 plus z1. That is commutative property of the complex numbers. Now moving forward, we have associative property. Now third one is in associative property. There are three complex numbers
देन z1 प्लस z2 प्लस z3 दैट इज इक्वल टू एज वी डिस्कस्ड इन प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी z1 प्लस z2 द रिजल्टेंट इज सेम एज इन केस ऑफ z2 प्लस z1 ठीक है. इन सिमिलर वे अगर हमारे पास थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो ये हमारे पास जो रिजल्टेंट है दैट विल बी वेरीफाइड. नाउ मूविंग टू फर्दर प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी. In complex numbers, for complex numbers, that a plus iota b. There exist zero plus zero iota, or we can say that zero, ठीक है, के कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास कोई गिवन है जेड, उस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस है विच इज नोन कॉल्ड एज जीरो. Or we can say that 0 plus 0 iota such that z plus 0 that will be equal to z or 0 plus z. ठीक है कि कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है. फॉर एग्जाम्पल हम रियल नंबर के केस में भी अप टू 10th क्लास तक ये सीख के आते हैं 10 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 10 और 0 प्लस 10. नाउ moving towards fifth property, additive inverse. In complex number, for a complex number, for a complex number z is equal to a plus iota b, there exist minus a minus iota b, or simply we can say that minus z is called as additive इनवर्स. ठीक है, जेड प्लस माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो, माइनस जेड प्लस जेड इज ऑल्सो जीरो. ठीक है, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स. की कॉम्प्लेक्स नंबर के में एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है. ठीक है, सो बेटा अप टू दिस इट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स डेफिनेशन बेसिक कंसेप्ट एंड एडिशन प्रॉपर्टीज तक आपको रिवाइज करना है. ठीक है, यू हैव टू रिवाइज और आपको अपना माइंड में क्लियर फ्रेम बनाना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स किस तरीके से रिलेट करता है रियल नंबर्स एंड इमेजिनेशन जो इमेजिनरी नंबर्स हैं. ठीक है, तो आप यहां तक अभी अपना रिविजन पे रखिए और अगर इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से क्वेरी कीजिए. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो होगा मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. थैंक यू बेटा.